हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 24 अक्टूबर 2020, इंग्लिश ग्रामर वर्क, कंटिन्यू एसे राइटिंग। टॉपिक इज माय बेस्ट टीचर, मेरा प्रिय अध्यापक। आई रीड इन विवेकानंद पब्लिक स्कूल कतौपुर। मीन्स आप बेस्ट टीचर का ऐसे लिख रहे थे। आप पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद आपके बेस्ट टीचर का नाम। ओके, आई रीड इन विवेकानंद पब्लिक स्कूल कतौपुर। फर्स्ट लेटर कैपिटल VPSK। आई रीड इन ब्लैंक क्लास मीन्स फोर्थ और फिफ्थ, जिस भी क्लास में आप रीड कर रहे हैं। ओके, आई रीड इन ब्लैंक क्लास मीन्स फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, जो भी। देर आर मैनी टीचर्स, वहाँ बहुत से अध्यापक हैं, बट मिस्टर और मिसिज मीन्स जेंट्स के लिए मिस्टर और लेडी के लिए मिसिज। ओके, इज माई बेस्ट टीचर। अब कौन है आपके बेस्ट टीचर, उनका नाम लिखना है आपने। ओके, श्री भी लगा सकते हैं, SH श्री, और श्रीमती SMT, और मिस है तो MISS। ओके, मीन्स रेस्पेक्ट के लिए आप मिस्टर, मिसेज, मिस, श्रीमान और श्रीमती, किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स के लिए मीन्स मेल के लिए मिस्टर और श्री, फीमेल के लिए मिसेज, श्रीमती और मिस। ओके, आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ टीचर का। अभी देखिए, मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। ओके, सी और ही टीचेज अस इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सी और ही इज़ वेरी पंक्चुअल। सी और ही इज़ वेरी टॉल एंड हैंडसम। सी एंड ही वियर सिंपल ड्रेस। हर और ही इज़ मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। सी और ही हेल्प्स द अदर्स और पुअर स्टूडेंट्स। सी और ही नेवर कम्स लेट। सी और ही इज़ वेरी काइंड एंड एबल। सी और ही इज़ एन MA BEd, मीन्स ये डिग्री उन्होंने क्या क्वालिफिकेशन है उनकी। सी और ही इज़ एन आइडियल पर्सन, वे एक आदर्श व्यक्तित्व हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, मे सी और ही लिव लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट करते हैं। आई रीड इन विवेकानंद पब्लिक स्कूल कतौपुर। आई रीड इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास। देर आर मैनी टीचर्स, बट मिस्टर, मिसेज, श्रीमान, श्रीमती और मिस इज़ माई बेस्ट टीचर। यहाँ आप टीचर का नाम लिखेंगे। मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। ओके, ही टीचेज अस इंग्लिश और सी टीचेज अस इंग्लिश। ही और सी इज़ वेरी पंक्चुअल। ही सी और ही इज़ वेरी टॉल एंड हैंडसम। सी और ही वियर सिंपल ड्रेस। हर फीमेल के लिए और हीज मेल के लिए। हर हीज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। सी और ही हेल्प्स द अदर्स और पुअर स्टूडेंट्स। सी और ही नेवर कम्स लेट। सी और ही इज़ वेरी काइंड एंड एबल। सी और ही इज़ एन MA BEd। सी और ही इज़ एन आइडियल पर्सन। आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर, मे सी और ही लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, द काऊ गाय। द काऊ गाय। द काऊ इज ए होली एनिमल ऑफ हिंदूज। द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, एक पालतू जानवर। डोमेस्टिक DOMESTIC, डोमेस्टिक एनिमल। इट गिव्स अस मिल्क। इट्स मिल्क इज वेरी हेल्थी एंड टेस्टी। इट्स मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग घी, बटर, चीज, कर्ड एंड स्वीट्स। इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स लाइक वाइट, ब्लैक, ब्राउन एक्स्ट्राज अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज़ टू ईयर्स, टू हॉर्न्स, टू आईज, वन बिग नोज, वन माउथ, ए लॉन्ग टेल एंड फोर लिम्स। लिम्स मतलब फन जो होते हैं। इट ईट्स फ्रेश ग्रास, हस्क, ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। द काऊ डंग इज यूज्ड टू used by people. The cow dung is used by people for fuel and fertilizers. Fuels ईंधन होता है, फर्टिलाइजर उर्वरक। तो डंग होता है गोबर, तो गाय का गोबर जो है वो ईंधन और फर्टिलाइजर उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। Farmers often, किसान जो होते हैं प्राय, यूज ए मेल काऊ नोन एज एन ऑक्स टू प्लो द फील्ड, खेतों को जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वर्शिप्ड बाई हिंदूज
और इंडियंस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय से है भारतीय लोगों द्वारा पूजी जा रही है, मतलब प्राचीन समय से इसकी पूजा की जाती है। ओके स्टूडेंट, राइट दीज एसेज इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न। थैंक यू।